हेलो स्टूडेंट, आज हम एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के लिए नया वीडियो लाए हैं जो बीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड पेपर है, ध्यान रखें। और इसमें आज हम जो वीडियो में पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक जो है वो है निस्यंदन सिद्धांत क्या है। तो निस्यंदन सिद्धांत जो है उसको अंग्रेजी भाषा में फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद यह हुआ कि छानने की क्रिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें जैसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निस्यंदन सिद्धांत के संबंध में आप क्या जानते हैं, इसकी स्वीकृति के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। तो हम आगे देखते हैं कि निस्यंदन जो सिद्धांत है, अंग्रेजी भाषा के शब्द में इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। और हिंदी के अनुवाद में देखें तो इसका अर्थ होता है छानने की क्रिया। ओके, वास्तव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह व्यापारिक की कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी भारत में, और वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी, मतलब कि कम से कम खर्च करना चाहती थी। वो शिक्षा व्यवस्था के लिए बस 1,00,000 रुपए तक का राशि मतलब खर्च करना चाहती थी, बहुत कम व्यय करना चाहती थी। जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि इसकी जो व्यवस्था की गई थी शिक्षा जो इसका जैसे भारतीय शिक्षा के लिए कम से कम व्यय करना चाहती थी, और इसके फलस्वरूप यह हुआ कि जो व्यवस्था की गई थी कि शिक्षा जो है वह उच्च वर्ग के व्यक्तियों से छन छन कर निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंचती, मतलब कि उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक शिक्षा जो है ऐसे छन छन कर सबको प्राप्त होती। तो निस्यंदन सिद्धांत जो है यह स्पष्ट करते हुए जो आर्थर मेहू ने लिखा था कि अपने शब्दों में कि सर्वसाधारण मतलब कि शिक्षा जो है ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचती थी, मतलब कि शिक्षा का मतलब जो हुआ कि ऊपर वर्गों से उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, मतलब जनसाधारण तक पहुंचनी चाहिए। तो जो आर्थर मेयू हैं इनके शब्दों में स्पष्ट किया है कि सर्वसाधारण में शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुंचानी थी और बूंद बूंद करके भारतीयों के जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे बहे, मतलब हिमालय के जैसे ऊपर से बूंद बूंद करके और लाभदायक जो भी शिक्षा है वो नीचे तक बहे, और जिससे वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों का सिंचन करे। मतलब कि एक तरह से उनका यह कहना था कि हिमालय से बहती हुई जैसे कि धारा बूंद बूंद करके नीचे के जो भी लाभदायक शिक्षा नीचे तक बहे, जिससे कुछ समय की जो चौड़ी और विशाल धारा बन जाए, परिवर्तित हो जाए और जो मैदान है उनको सींचने लगे, उनका यह कहना था। किसका? आर्थर मेयू का। तो हम देखते हैं कि लाभ प्राप्त ज्ञान है भारत के सर्वोच्च वर्गों में बूंद बूंद करके टपकना था। जो निस्यंदन सिद्धांत है यह समर्थकों में ईसाई मशीनरी और बम्बई जैसे मुंबई भी बोला जाता है इसको और गवर्नर के जो काउंसलिंग के सदस्य फ्रांसिस वार्डन और कंपनी के संचालक एव लॉर्ड मैकाले थे, जो कंपनी के संचालक थे और जो सदस्य थे फ्रांसिस वार्डन के, जो काउंसलिंग का जो गवर्नर की काउंसलिंग का जो सदस्य था फ्रांसिस वार्डन, कंपनी का संचालक लोग थे और लॉर्ड मैकाले थे, इन ये सब जो समर्थक है किसके? निस्यंदन सिद्धांत के। ओके, और ईसाई जो मशीनरियों का कहना था, जो ईसाई मशीनरी थे उनका यह कहना था कि यदि भारत के उच्च वर्ग के जो हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करके ईसाई धर्म का अवलंबी बना दिया जाए, मतलब कि यदि हम हिंदुओं के जो उच्च वर्ग के हिंदू हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके और ईसाई धर्म के अवलंबी बना दिया जाए तो क्या होगा, तो जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होंगे उनको प्रभावित होकर
वह स्वयं ही ईसाई धर्म में को स्वीकार कर लेंगे। इनका मतलब ये कहना था कि जो उच्च वर्ग के हिंदू हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा दे दी जाए और उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित की जाए और लंबी बना दिया जाए, तो निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होंगे वो उनसे प्रभावित होकर स्वयं ईसाई धर्म में स्वीकार कर लेंगे। और जैसे फ्रांसिस जो वार्डन थे, मतलब कि जो गवर्नर की काउंसिलिंग का सदस्य था फ्रांसिस वार्डन, का तर्क था कि इस प्रकार के जो व्यक्तियों को बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना स्वीचीन है, मतलब कि इनका यह कहना था कि ये सही नहीं है इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा ज्ञान प्रदान करना, तो ये ज़्यादा सही नहीं, इनका ये कहना था कि ज्ञान प्रदान करना इनको ज़्यादा मतलब कि स्वीचीन नहीं है। तो 30 दिसंबर 1823 ईस्वी को अपने विवरण पत्र में उसने कहा, किसने कहा, फ्रांसिस वार्डन का यह तर्क था कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको अधिक ज्ञान प्रदान करना स्वीचीन नहीं है। तो 23 दिसंबर 1823 ईस्वी को अपने विवरण पत्र में उसने यह कहा कि बहुत से व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय, मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय, बहुत से व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्ति को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। मतलब उसका यह कहना था, किसका, फ्रांसिस वार्डन का अपने विवरण पत्र में, कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने के बजाय यदि हम थोड़े से लोग को ज़्यादा ज्ञान दे दें तो यह ज़्यादा उत्तम, ज़्यादा सही होगा और निरापद होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालकों ने का मत था कि शिक्षा की प्रगति, जो संचालक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका यह मत था कि शिक्षा की जो प्रगति है इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा शिक्षित करना ही पर्याप्त है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके जो संचालक थे उसका यह मत था कि शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए उच्च वर्ग को शिक्षित करना ही पर्याप्त है। और 29 सितंबर को 1830 ईस्वी को अपने आदेश पत्र में मद्रास, चेन्नई के जो गवर्नर थे वह यह परामर्श दिया कि, आइए देखते क्या उन्होंने परामर्श दिया, गवर्नर जो थे चेन्नई के मद्रास के, तो उन्होंने यह परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है, शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। मतलब कि उन्हें ही शिक्षा दी जाए, प्रगति की जाए उस समय हो सकती है जिस समय उच्च वर्ग जो हैं उनके जो उच्च वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको शिक्षा दी जाए और उसके पास, मतलब वह उनके पास छुट्टी हो और वह जो उच्च वर्ग के हों वह फ्री हों, तो उन्हें ही शिक्षा दी जाए जिनको, जो देश के निवासी हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित हों, मैंने उनके प्रभाव में हो, देश के जो निवासी हैं ज़्यादा उन जैसे ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाए जो कि एक तरह से उच्च वर्ग के लोग हों और ज़्यादा उनसे लोग प्रभावित हों, तो ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाए और फ्री भी हों। और जो लॉर्ड मैकाले थे इस सिद्धांत को प्रबल समर्थक था, लॉर्ड मैकाले जो था वह जो ये छनने की क्रिया है, मतलब कि फिल्ट्रेशन निष्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत से ज़्यादा कौन समर्थक था, लॉर्ड मैकाले। 2 फरवरी 1935 ईस्वी को उसने अपने विवरण पत्र में यह इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि हम इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, मतलब इसका यह कहना था कि हम इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुशासित का कार्य करे और इस पर हम शासन करते हैं। मतलब कि ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए जो हमारे और लोगों के बीच में, मतलब कि एक तरह से होता है एक दूसरे से कांटेक्ट करना और एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करे और उस पे और उससे उसके हेल्प से हम लोगों पे शासन कर सकें। तो उसको उसका यह कहना था कि हमें ऐसे लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए जो दोनों पक्ष में हों
ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति, जो ऑकलैंड था उसने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। किस कारण से स्वीकार किया? तो देखिए, भारत के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को क्यों स्वीकार किया? लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उस समय के गवर्नर जनरल, तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, इस सिद्धांत को सरकारी नीति के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। मतलब कि एक तरह से सरकारी नीति के तरफ से देखते हुए इस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत था कि हाँ, हमें उन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए जिनके जो लोगों के बीच में और हमारे बीच में एक तरह से दुभाषित कार्य करें, मतलब कि दोनों भाषा में दुभाषित कार्य करें। और 24 नवंबर 1839 ईस्वी को अपने अपने विवरण पत्र द्वारा यह घोषणा की कि सरकार के प्रयास और समाज के उन उच्च वर्गों में उस शिक्षा का प्रसार करने तथा सीमित रहने चाहिए। मतलब कि सरकार का जो प्रयास है समाज के उन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार या प्रचार करने को सीमित रहने चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन के जनसाधारण तक पहुँचेगी। मतलब इनका ये कहना था कि सरकार का जो प्रयास है, सरकार जो प्रयास कर रही है इनके विवरण पत्र के द्वारा सरकार ने जो स्वीकार कर लिया, तो 24 नवंबर को 1839 ईस्वी को उसने अपने विवरण पत्र के द्वारा यह घोषणा किया कि सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार जो प्रयास कर रही है वह समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने के तक सीमित रहने चाहिए। मतलब कि सरकार का जो प्रयास है वह समाज के उच्च वर्ग के लिए और उच्च शिक्षा के लिए मतलब सीमित रहने चाहिए। उसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है, क्योंकि उसको मतलब पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए वह फ्री है, अवकाश है उनके पास, तो मैंने वो ग्रेजुएशन को छूट है, पर जिनकी संस्कृति छन छन कर जो जो उच्च वर्ग के हैं उनकी जो संस्कृति है वह जो मतलब कि जिस तरह से वह अध्ययन कर रहे हैं उनकी जो संस्कृति है वह छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचेगी, उनका यह कहना था ब्यूरो पत्र द्वारा। अब हम देखेंगे कि सिद्धांत की स्वीकृति का कारण क्या था, किस वजह से ये सिद्धांत को स्वीकार किया गया, तो आइए देखते हैं सिद्धांत की स्वीकृति का कारण क्या है। कारण ये था कि शिक्षा में जो निस्यंदन अथवा छनाई सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में देने के अनेक कारण थे। मतलब कि जो शिक्षा में निस्यंदन अथवा छनाई सिद्धांत की है, मतलब कि एक तरह से निस्यंदन बोलें या उसको छनाई सिद्धांत बोलें या निस्यंदन सिद्धांत बोलें, तो शिक्षा में जो ये निस्यंदन सिद्धांत है उसको सरकारी नीति का रूप देने के अनेक कारण थे। मतलब सरकारी नीति जिससे सरकार जो है अपनी नीति से इसको स्वीकार कर ले इस सिद्धांत को, और जैसे कि लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था और 24 नवंबर 1839 ईस्वी को अपने विवरण पत्र में यह घोषणा कर दिया था कि सरकार का जो भी प्रयास है वह उच्च वर्गों को, समाज के उन उच्च वर्गों को उच्च शिक्षा देने का कोशिश कर रही है जो एक तरह से सीमित रहने चाहिए और उसके पास अध्ययन के लिए अवकाश भी है, जिसकी जो संस्कृति है वह छन छर कर नीच वर्ग तक या जनसाधारण तक पहुंचेगी। तो ये कारण थे कि पहला यह कारण था, एक मिनट, पहला जो कारण था वह यह कारण था कि भारत में जो शासन कार्य हैं, भारत के जो शासन कार्य हैं उसको चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिनको शिक्षित करके उच्च पद प्रदान करके, मतलब कि उनका ये कहना था ना, जैसे कि जो लॉर्ड मैकाले थे उनका यह सोच था कि हमें ऐसे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए जो कि क्या थे, ऐसे समय में ऐसे वर्ग को निर्माण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषित दो भाषा का कार्य करें, हमारे बीच हमारे पक्ष में भी बोलें और लोगों के भी पक्ष में बोलें और लोग उनसे प्रभावित हो जाएं, तो दुभाषित का कार्य करें जिन पर हम शासन करते हैं, जिससे हम शासन कर पाएँ। तो उनको इनका यह कहना था, पहला कारण यह था कि भारत में शासन कार्य चलाने के लिए ऐसी व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनको शिक्षित करके उच्च पद प्रदान करके, मतलब कि भारत में शासन कार्य चलाने के लिए व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिनको
पहले शिक्षित की जाए, फिर से उनको उच्च पद मैंने प्रदान कर दी जाए, उच्च पद दे दिया जाए, फिर से करके राज के जो सुदृढ़ बनाया जा सके, राज को एक अच्छा मतलब कि अच्छा सा राज बनाया जा सके। क्योंकि जिन छोटे छोटे शासक पदों पर, जो छोटे छोटे शासन वाले पद थे, शासक पद थे, उस पर विदेश के अंग्रेज लाकर नियुक्त किए जाते थे। मतलब कि जो छोटे छोटे पद थे उस पर भारतीयों को नहीं नियुक्त किया जाता था, उस पद पे नहीं प्रदान किया जाता था, और उन्हें विदेश से अंग्रेज को लाकर और उन्हें उस पद पे नियुक्ति कर दी जाती थी। और ये बहुत गलत था, और उन पर जो भारतीयों की जो नियुक्ति करने की काफ़ी धनराशि बच सकती थी। जैसे कि भारतीयों को वह मतलब कि उस पद पे नहीं नियुक्ति देते थे, और अंग्रेज को लाकर उस पद पे नियुक्ति कर देते थे, विदेश से अंग्रेज को लाकर जो शासक पद थे छोटे छोटे, और इससे जो था वह भारतीयों को नियुक्ति करने में काफ़ी धन उनके बच जाते थे, धनराशि बच जाते थे, क्योंकि उन पदों के लिए उच्च वर्ग की उपयोगी हो सकता था। क्योंकि जो जैसे छोटे छोटे पद हैं, ऐसे पदों के लिए उच्च वर्ग की भी उपयोगी हो सकता था, अतएव इसे शिक्षित किया जाना उचित होगा। क्योंकि ऐसे पदों पर उच्च वर्ग भी मतलब उपयोगी हैं, और ऐसे वर्गों के लिए मतलब कि ऐसे पदों के लिए लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा उचित था। सेकेंड कारण क्या था कि सरकार के पास जन सुधारक की शिक्षा का भार उठाने के लिए पर्याप्त धन नहीं थे। मतलब कि शिक्षा का भार उठाने के लिए जन सुधारक में सभी की शिक्षा के लिए जो भी खर्च था शिक्षा पे व्यय करने के लिए, उनके पास इतने धन पर्याप्त धन नहीं थे सरकार के पास। तो और थर्ड कारण यह था, इस ये जो सिद्धांत है इसको स्वीकार करने के लिए, कि अंग्रेजी शासक जो अंग्रेज शासकों का यह भी विश्वास था कि उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा मम्मी मत बजाओ यह था कि अंग्रेज शासकों को यह भी विश्वास था कि उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करके, मतलब कि जो उच्च वर्ग हैं उनका यह भी विश्वास था कि शिक्षित जो जो अंग्रेज हैं शासक, उनका यह विश्वास था कि उच्च वर्ग के जो भी अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करके हम अपना उनको रहन सहन और आचार विचार से परिवर्तित करके, माने उच्च वर्ग के लोगों को हम शिक्षित कर दें अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम द्वारा, और उनके रहन सहन आचार विचार का परिवर्तित कर दें, मतलब कि उनके अंदर एक बदलाव ला दें, जिससे निम्न वर्ग भी उनसे प्रभावित होकर, जो निम्न वर्ग हैं वह उनसे प्रभाव उच्च वर्ग से प्रभावित होकर शासन के भक्त बना रहेगा। मतलब कि वह एक तरह से शासन के जो है, जो उच्च वर्ग के शासन है उनके वह भक्त बन जाएंगे निम्न वर्ग, उनसे जब प्रभावित हो जाएंगे। तो फोर्थ क्या कारण थे कि कुछ चुने हुए उच्च वर्ग जो थे, फोर्थ कि कुछ चुने हुए उच्च वर्ग जो हैं वह भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके उन्हें उनको उच्च पद, जैसे कुछ कुछ उच्च वर्ग ऐसे चुने हुए थे, चुने जाएंगे या चुने हुए थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा पहले प्रदान कर दी जाए, फिर से उच्च पदों पर नियुक्ति कर देने से वह न केवल सदैव अंग्रेजी शासन के भक्त बने रहेंगे, अपितु जनता को भी शासन के विरुद्ध जाने से रोकने में सफल होंगे। मतलब उनका इनका जो एक तरह से जो सिद्धांत था यह था जो स्वीकार करने का, कि हम क्या करेंगे, उच्च वर्ग के भारतीयों को पहले अंग्रेजी शिक्षा दे देंगे, उनसे यह होगा कि शिक्षा जब वो प्रदान कर लेंगे अंग्रेजी शिक्षा, उनसे उच्च पदों पे नियुक्ति दे दी जाएगी, और उससे न केवल सदैव अंग्रेजी शासन के वो भक्त रहेंगे, मतलब कि जब उनको एक पद मिल गया है और मतलब कि एक उनको जब पद मिल गई है तो वो अंग्रेजी शासन के भक्त बन जाएंगे, अपितु जनता भी शासन के विरुद्ध जाने से रोकने में सफल होंगे, और जो अंग्रेजी शासन है उनके विरुद्ध भी जनता नहीं जाएंगे तो सफल होंगे। और फिफ्थ यह है कि कुछ थोड़े से व्यक्तियों को शिक्षित करके, मतलब कि इन्होंने एक जगह कहा था ना कि हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़े से, मतलब कि ज़्यादा व्यक्ति को शिक्षित न करके हम थोड़े से व्यक्ति को शिक्षित करें, यही उत्तम होगा, इन्होंने ये कहा था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान न देने के बजाय हम थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान दें तो यह अधिक उत्तम और निरापद होगा। तो इन्होंने यह कहा था कि
हम मतलब कि बहुत सारे व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान ना दे बजाय थोड़े से व्यक्तियों को ज़्यादा ज्ञान दे दे, यही ज़्यादा सही होगा। तो इसमें यह कहा था कि कुछ लोगों से व्यक्तियों को शिक्षित कर जनसाधारण शिक्षा का भार उन पर छोड़ा जा सकता है, मतलब कि हम थोड़े से लोगों को शिक्षित कर दें और शिक्षित करने का जो व्यक्तियों को शिक्षित करने का जनसाधारण शिक्षा का जो भार है वह उन पर छोड़ दिया जाए। और इसके परिणाम क्या हुआ, इस कारण को इस जो कारण था सिद्धांत को स्वीकृति करने स्वीकार करने का, इसका क्या परिणाम हुआ और यह असफल क्यों हो गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ और यह सफल कैसे हो गया। तो असफल यह ऐसे हो गया कि जो सरकारी नीति है, सरकारी नीति के रूप में निश्चंदन सिद्धांत मतलब कि छनाई जो सिद्धांत है, इसने शिक्षा के स्वरूप को 1854 ईस्वी तक के लिए निश्चित कर दिया था। मतलब कि इस सिद्धांत को उसने शिक्षा का जो स्वरूप हो उसको कुछ ही संत तक निश्चित कर दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ने इस नीति का हार्दिक स्वागत किया था, मतलब कि उसने कुछ ही ईस्वी तक उस इस सिद्धांत को निश्चित कर दिया। और ईस्ट इंडिया जो थे उनके जो कर्मचारी थे इस नीति को, जो ये नीति थी उनका हार्दिक स्वागत किए। और परिणाम यह हुआ कि देश में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का प्रसार तेजी से आई। मतलब उनका क्या करना था कि हमें उच्च वर्ग को पहले अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षित कर देना है और उसके बाद उनके रहन सहन आचार विचार में परिवर्तित करके उनको निम्न वर्ग भी उनसे प्रभावित हो जाएंगे और शासन के भक्त बन जाएंगे। और जब शासन के भक्त बन जाएंगे, अंग्रेज शासन के जब भक्त बन जाएंगे, तो अपितु जनता भी शासन के विरुद्ध जाने से रोकने में हम सफल रहेंगे। तो इनका यह मतलब नीति थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके जो कर्मचारी थे इसका हार्दिक स्वागत किए। और अंग्रेजी जो उच्च शिक्षा का प्रसार तेज़ी से बढ़ने लगा, अपितु जो ऑकलैंड थे, ऑकलैंड कौन था, ऑकलैंड जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, ये जो सिद्धांत थी सरकारी नीति के स्वरूप में वो स्वीकार कर चुके थे। तो ऑकलैंड का यह उद्देश्य, इस उद्देश्य को 1854 ईस्वी तक निश्चंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में घोषित कर किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था कि सरकारी नीति के शिक्षा को सरकारी नीति के रूप में घोषित कर दिया। किसको, निश्चंदन सिद्धांत को। इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। ये जो इनका उद्देश्य था निश्चंदन सिद्धांत को सरकार की नीति पर घोषित करने का, इस पर उनको सफलता नहीं मिली। और शिक्षा जो थी वह उच्च वर्गों से छन छन कर निम्न वर्गों तक नीचे तक पहुँच सकी। और इनका प्रमुख कारण यह था कि जिन व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सरकारी नौकरी मिल जाती है, मतलब कि जिन व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, वैसे ही उनसे उनके जो विचार हैं या आदर्शों और मान्यताओं को अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि जैसे जो व्यक्ति होते हैं वह शिक्षा जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पश्चात ये होता है कि उनको सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं और उनके जो विचार होते हैं, उनके रहन सहन, उनके आदर्श और उनके जो जो भी मान्यताएँ होती हैं वह सब उनमें परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ ही उसमें उनमें एक सिद्धांत की भावना इस प्रकार से उद्दीत हो जाती है, मतलब कि एक सिद्धांत एक श्रेष्ठता श्रेष्ठ बनने की जो भावना होती है वह इस प्रकार से उद्दीत हो जाती है कि वे जो निम्न वर्ग में संपर्क स्थापित करने में जो अपनी मानहानि समझते थे, मतलब कि निम्न वर्ग जो थे उनमें उनसे संपर्क करने में अपना एक मानहानि समझते थे, वे कुछ समय के बाद अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर और व्यक्तियों अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर व्यक्तियों के एक अलग अलग एक मिनट तो जो भावना थी इस प्रकार उद्दीत हो जाती थी कि जो निम्न वर्ग को जो वह संपर्क या स्थापित करने में अपने आप को क्या समझते थे, संपर्क स्थापित करने में एक तरह की श्रेष्ठता की भावना इस प्रकार, यार वीडियो बेकार कर रहा है, बात अच्छा बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है।
जो इस प्रमुख कारण यह था कि व्यक्तियों को हम शिक्षा प्रदान कर पश्चात जो जो लोग जो थे वो व्यक्ति जो थे वो शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और सरकारी नौकरी उनको मिल जाती थी। ऐसे ही जो उनके विचार थे, आदर्श थे या उनकी रहन सहन जो भी थी, एक तरह से मान्यताओं को अमूल चूल परिवर्तित हो जाते थे। और जब वो परिवर्तन हो जाता था उनके अंदर, तो उनके साथ ही उनमें एक श्रेष्ठ होने का जो भावना थी वह उद्दीत हो जाती थी, उनके अंदर पनप जाती थी किस चीज़ का, श्रेष्ठता की भावना। और वे निम्न वर्गों के समर्थक जो निम्न वर्ग थे उनके समर्थक स्थापित करने में अपने आप को जो मान हानि समझते थे, जैसे उनकी इंसल्टी हो रही है निम्न वर्गों को संपर्क करने में या उनको शिक्षित करने में, एक तरफ से जब खुद को आप श्रेष्ठ समझेंगे तो निम्न वर्गों को मतलब कि बात करने में, उनसे संपर्क करने में अपने आप को मानहानि समझते थे। कुछ समय बाद अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर व्यक्तियों को एक अलग वर्ग का निर्माण हुआ जिसका संबंध निर्धन वर्ग में पूरी तरह से टूट गया। मतलब कि जब अंग्रेजी शिक्षा वो प्राप्त कर लिए व्यक्ति, तो उनमें एक अलग अलग तरह का वर्ग का निर्माण हो गया और जिसका संबंध वह निर्धन वर्ग में पूरी तरह से टूट गया। और यह इस देश का दुर्भाग्य था, इस तरह से इस देश का दुर्भाग्य था। और सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले इसी उच्च वर्ग के व्यक्तियों ने राष्ट्र आंदोलन के समय अपने देशवासियों पर अधिक से अधिक अत्याचार किए। मतलब कि जब ये निर्धन वर्ग में जैसे मर गए हैं, ऐसे निर्धन का मतलब होता है, तो जो संबंध था निर्धन वर्ग के तरह के पूरी तरह से टूट गए। इस देश का दुर्भाग्य था कि सरकार के टूटने पर जो पलने वाले इसी वर्ग, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, व्यक्तियों ने राष्ट्र आंदोलन के समय अपने देशवासियों पे अधिक अत्याचार किए। यही जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, उन्होंने जब राष्ट्र आंदोलन हो रहा था तो उनमें उनका जो व्यवहार था कि देशवासियों को अत्याचार किया उन्होंने। इस प्रकार इससे जो स्वामी भक्ति का परिणाम दिया और इनके इस कार्यों में जो इस कार्यों से क्षुब्ध होकर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि अंग्रेजी ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया था। जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत में एक नई वर्ग का निर्माण किया। किस लिए, कैसे के निर्माण किया, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर व्यक्तियों को एक नए वर्ग में निर्माण कर दिया जिसके संबंध में एक निर्धन वर्ग को पूरी तरह से टूट गया था। और जब जो पूरी तरह से वर्ग टूट गया, तो भारत का यह दुर्भाग्य था कि सरकार के टूटने पर जो पलने वाले इसी उच्च वर्ग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने राष्ट्र आंदोलन के समय अपने देशवासियों पर अधिक से अधिक अत्याचार किए। इस प्रकार से जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों ने जो भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया था और यह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो वर्ग था, वह जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुका था, जो ये वर्ग था, वह जनसाधारण से पृथक अपने स्वयं के संसार में रहता था। मतलब कि एक तरफ से वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे, तो वो अपना एक मतलब कि जनसाधारण से अलग होकर, मतलब कि निम्न वर्ग से अलग होकर जो उच्च वर्ग थे जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे, उन्होंने एक अपना स्वयं का संसार बना लिया था। एक तरह से नवीन व नए वर्ग का निर्माण कर लिया था और इसके जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। मतलब कि जो शासन चल रहा था अंग्रेजी शासन, इसका कृपा हमारे पे बनी रहे, उच्च वर्ग जो सरकारी नौकरी पा चुके थे, मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी शिक्षा उनको उच्च वर्ग पे उच्च पद दे दिया गया था, तो वो ऐसा चाहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी जो शासन है उसकी कृपा हमारे पे बनी रहे और वे सदैव अप्रयत्नशील रहता था। और 1870 ईस्वी तक 1870 जब ईस्वी आया, तब ब्रिटिश कालीन भारत शिक्षा में एक निस्यंदन सिद्धांत जो था भारत शिक्षा में, ब्रिटिश कालीन जब था तो भारत शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत प्रचलित रहा और सने सने मतलब धीरे धीरे लोगों का ध्यान उसकी व्यवस्था पर जाने लगा। लोगों का ध्यान कहाँ जाने लगा, उनकी व्यवस्था पर जाने लगा।
निशंदन सिन्हा जैसे जैसे प्रचलित हो गया उनकी व्यवस्था पर जाने लगा। अंत में वह विश्वमूर्ति का गर्भ में समा गया। मतलब कि जैसे जैसे निशंदन सिद्धांत जैसे जैसे वह प्रचलित होने लगा तो धीरे धीरे लोगों को व्यवस्था में जाने लगा और यह हुआ कि वह एक तरफ से गर्भ में समा गया, मतलब कि वह असफल हो गया अपने निशंदन सिद्धांत में। तो क्या था इसका हम मतलब देखते हैं कि छनाई का सिद्धांत क्या था। छनाई का जो सिद्धांत था कि पूरा एक हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि क्या इस सिद्धांत है क्या, तो मैकाले का जो विवरण पत्र ने एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया था। इसी संदर्भ में छनाई का जो सिद्धांत है वो सामने आया। जब मैकाले जो था अपने विवरण पत्र में शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद कर दिया था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो इसी समय एक संदर्भ सामने आया छनाई का सिद्धांत। छनाई के इस सिद्धांत के अनुसार यदि शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा समाज है उसका उच्च वर्ग को प्रदान किया जाए, माने शिक्षा का जो समाज हो या उच्च शिक्षा जो वह हम यदि उच्च वर्ग को प्रदान करें तो क्या होगा कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में स्वतः चली जाएगी। मतलब कि जो वर्ग हैं दोनों की ये उच्च वर्ग हैं और निम्न वर्ग से वह होकर बूंद बूंद निम्न वर्ग तक चली जाएगी। तो मैंने उच्च वर्ग से लेके निम्न वर्ग तक सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसका जो शिक्षा मतलब की व्यवस्था का यही वो था कि जो शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जन साधारण तक पहुंचनी थी और लाभप्रद ज्ञान प्राप्त कर सर्वोच्च वर्गों में बूंद बूंद करके टपकता था। तो इस तरह से उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक पूरा शिक्षा चली जाएगी। दूसरी शब्दों में यह कहना था कि सरकार का जो कर्तव्य है कि वह केवल उच्च वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे, माने उच्च वर्गों की बस शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे और निम्न वर्ग को तो उनके संपर्क में आकर स्वयं शिक्षा शिक्षित हो जाएंगे, मतलब कि वो स्वयं ही प्रभावित हो जाएंगे उच्च वर्ग से जो निम्न वर्ग थे। इनका यह कहना था दूसरे शब्दों में। अब हम देखेंगे जो आर्थर मैथ्यू इनका क्या कहना था। आर्थर मैथ्यू जो हैं इनका कहना था कि इनकी शब्दों में सर्वसाधारण में शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुँचनी थी, बूंद बूंद कर भारत जीवन के हिमालय से जो लाभदायक शिक्षा नीचे बहे जिससे वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल हो और धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों का निश्चन करें। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक पाश्चात्यवादी थे। जो प्रमुख सिद्धांत के जो समर्थक थे वो कौन थे, पाश्चात्यवादी थे। ईसाई मिशनरियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, जो ईसाई मिशनरी थे वो इस सिद्धांत का समर्थन किए और लॉर्ड मैकाले ने भी इस सिद्धांत के प्रबल समर्थन किए और इससे यह हुआ कि एक मिनट इससे जो लॉर्ड मैकाले थे इन्होंने भी इस सिद्धांत का पूरा समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करने की चेष्टा करनी चाहिए जो हमारे और उन लोगों के व्यक्तियों के मध्य में जिन पर हम मध्य में एक ऐसी व्यवहार बना ले ऐसा दो भाष्य कार्य करे जिसके मध्य जिन पर हम शासन करते हैं और दुभाषित का कार्य करे। इस सिद्धांत को स्वीकार करके 1844 ईस्वी में जो लॉर्ड हेडरिज ने घोषणा की कि अंग्रेजी स्कूलों में जो 1844 ईस्वी में जो लॉर्ड हेडरिज ने घोषणा की कि अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। जो अंग्रेजी स्कूल में छात्र हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको सरकारी स्कूल में प्राथमिकता दी जाएगी और इस घोषणा के बाद शिक्षा की जो प्रकृति है वह तीव्रता से मतलब बहुत तेजी से हुई और स्थान स्थान पर विद्यालयों की स्थापना होने लगी। मतलब कि इस वजह से सारे स्थानों पे शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना होने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।